मी अरे सुमित सुमित अजित आनंदराव पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूकंप देखने को मिल रहा है, जहां अजित पवार ने शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद डिप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जिसको लेकर माना जा रहा है कि ये अजित पवार की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। बीते कई दिनों से अजित पवार समेत एनसीपी विधायकों का एक बड़ा दल शरद पवार से नाराज चल रहा था। इसके चलते महाराष्ट्र की सियासत में सुपर संडे के दिन अजित ने विधायकों की अपने घर पर बैठक बुलाई थी। इसके बाद 53 में से 30 विधायकों का बड़ा समर्थन रखने वाले अजित राजभवन पहुंच गए। इसके साथ ही सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचे और फिर 9 मंत्रियों समेत अजित पवार ने डिप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली। अब महाराष्ट्र को 2 डिप्यूटी सीएम मिल गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अजित पवार भी अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें, अजित पवार समेत एनसीपी के 9 विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित पवार के पास अब तक 30 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इससे अनजान है। एनसीपी नेता अजित पवार के आवास पर एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाए जाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुझे ठीक से नहीं पता कि ये बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें यानी अजित पवार को विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है, वो ऐसा नियमित रूप से करते हैं। मुझे इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।